सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो किसी पर जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रचारित है धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 की फिजिक्स की सेकंड यूनिट है। इस यूनिट जो कि एमपी मॉडल क्वेश्चन क्लियर के सारे क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। 2 नंबर के जो क्वेश्चन इसमें अपलोड किए गए क्वेश्चन बैंक में 7 क्वेश्चन हैं। इन 7 क्वेश्चंस को हम एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? जब हम मोटरसाइकिल या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसकी हेडलाइट जो होती है वो डिम हो जाती है, मंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टर होता है वो क्या करता है, बैटरी से अधिकतम धारा लेता है। वो सब स्टार्ट करते समय जो स्टार्टर होता है क्या करता है, वो स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम करंट क्या करता है, गेन करता है, प्राप्त करता है, लेता है। तो अधिकतम धारा जब वो स्टार्ट करता है मोटरसाइकिल को या गाड़ी को, उस समय जो धारा होती है वो अधिकतम ले जाती है। तो धारा जब अधिकतम ले जाएगी तो वोल्टेज का जो फार्मूला होता है हमारे पास माइनस आर आया, ये वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज होता है, 0 के बीच में वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज होता है ई माइनस आया, ये ईएमएफ होता है बैटरी का, आर करंट होता है और आर होता है वो आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर क्या करता है, अधिकतम धारा लेता है, जिसके कारण से वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, ड्राप होता है, कम होता है, कितना कम हो जाता है, आई आर, ये वोल्टेज इतना कम हो जाता है। जब ये मान कम होगा इसमें से माइनस हो जाएगा, ये जो वोल्टेज का मान होता है वी, ये वोल्टेज का होता है गिर जाता है या कम हो जाता है, वी का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि आय का मान बढ़ जाता है स्टार्ट करते समय, आय अधिकतम होती है, आय अधिकतम होगा तो ये मान इसमें से माइनस होगा, ज़्यादा मान माइनस होगा तो वी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, और जैसे वोल्टेज कम होता है लाइट का जाएगा डिम हो जाएगा। तो क्या कारण लिखना कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टर होता है उस समय अधिकतम धारा लेता है और स्टार्ट करने के लिए, और धारा का मान जब अधिकतम होता है तो जो वोल्टेज होता है उस समय वोल्टेज ड्राप हो जाता है, गिर जाता है, खत्म हो जाता है, कितना आया का, और जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट करते समय लाइट डिम हो जाती है। हमारे पास विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर और विभवमापी, इन दोनों में जो होता है विभवमापी को हम श्रेष्ठ मानते हैं, सुपीरियर या कह सकते हैं आप कि जो है बेटर देन वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर, यानी जो पोटेंशियोमीटर होता है वो वोल्टमीटर से अच्छा माना जाता है, पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। अब क्यों मानते हैं, उसका रीजन देखेंगे, उसके 3 रीजन। पहला रीजन हमने देखा है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो अधिक सेंसिटिव होता है, अधिक सुखाई होता है, इसका मतलब ये होता है कि छोटे से छोटे वोल्टेज को भी वो माप सकता है, मेजर कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये लिखना है कि ये अधिक सुखराई होता है, सुखराई का मतलब सेंसिटिव, इट इज हाई सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सुखराई होता है, मतलब छोटे से छोटे वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। और ये जो वोल्ट मीटर होता है ये लो सेंसिटिव होता है, यानी अपेक्षाकृत कम सुखराई होता है। सेकंड पॉइंट लिखना है कि विभवमापी के द्वारा जो मापा गया मात्रा या वोल्टेज होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी जो एक्चुअल वोल्टेज होता है वास्तविक रूपांतर होता है उसके बराबर ही प्राप्त होता है। विभवमापी के द्वारा मापा गया रूपांतर वास्तविक रूपांतर के बराबर होता है। इसमें क्या होता है वोल्टमीटर में कि जो वास्तविक रूपांतर होता है वो मान और विभवमापी के द्वारा हम मापते मेजर करते हैं दोनों में डिफरेंस आता है, यानी जो हम वोल्टेज नापेंगे वो कुछ कम होता है, लेस देन होता है एक्चुअल वोल्टेज से। तो इसमें जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज क्या होता है, बिल्कुल जो वास्तविक विभवांतर उससे कुछ कम होता है। और इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है विद्युत वाहक बल जिसको हम कहते हैं वो वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है, इसमें बिल्कुल बराबर होता है, इसमें कुछ कम हो जाता है। तीसरा लिखा है कि शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, नल डिफ्लेक्शन मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड।
इसमें जो मेथड का यूज किया जाता है शून्य विक्षेप, शून्य विक्षेप का मतलब ये होता है कि जब उसका पॉइंटर जीरो पे होता है उस समय अपन उसको मेजर करते हैं, शून्य विक्षेप के लिए आधारित होता है। जब भी गैलोमीटर का पॉइंट किस पे आया, जीरो पे आया, तब उस कंडीशन में इसको ईएम मेजर करते हैं। तो ये जो होता है शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, और शून्य विक्षेप पढ़ने में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, कोई एरर्स नहीं होती, कोई त्रुटि गलती नहीं होती है। और ये जो होता है वो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित होता है, डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये जो होता है डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित होता है, डिफ्लेक्शन पढ़ने में, विक्षेप पढ़ने में वहाँ से त्रुटि हो सकती है। शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, शून्य विक्षेप पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पॉइंटर जो होता है शून्य के सामने अपने को दिख जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंटर होता है, छोटे छोटे पॉइंटर बने होते हैं बीच में आएगा, तो डिफ्लेक्शन पढ़ने में अपने को परेशानी, त्रुटि गलती हो सकती है, एरर हो सकती है। तो तीन रीजन अपने को बताना, क्या पहला ये बताना कि वो ज़्यादा सुखराई होता है, वो सेंसिटिव होता है, ये कम सुखराई होता है, लेस सेंसिटिव होता है। दूसरा, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है, और इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, लेस देन एक्चुअल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा, ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, शून्य विक्षेप पढ़ने में कोई त्रुटि या गलती नहीं होती है, यह विक्षेप विधि पर आधारित होता है, और विक्षेप को पढ़ने में, डिफ्लेक्शन को पढ़ने में हमारे से एरर्स या त्रुटि हो सकती है। इसलिए विभव मापी जो होता है वो ओल्ड मीटर से श्रेष्ठ होता है। ये तीन रीजन अपने को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार के संचारित व्यक्ति का विद्युत वाहक का क्या रखा, ये दे रखा ईएमएफ 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट दे रखा, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा आर 0.5 ओम, और अपने को क्या कह रहा है अधिकतम धारा का मान करंट। तो बैटरी से बहने वाली जो करंट होती है, बैटरी से बहने वाली धारा, करंट फ्लो ड्यू टू बैटरी का बहने वाली धारा आर इक्वल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ईएमएफ कुल विद्युत वाहक बल, कुल ईएमएफ कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल ईएमएफ कितना है, ईएमएफ मतलब ये वोल्टेज, इसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ईएमएफ को विद्युत वाहक बल, कुल प्रतिरोध, तो कुल ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, कुल प्रतिरोध 0.4, आंतरिक प्रतिरोध है। अब इसे बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया है, बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया है, इसको हम 0 माने, क्योंकि धारा अधिकतम प्रवाहित होगी, धारा अधिकतम तभी प्रवाहित होगी जब आई 0 शून्य होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में 0.4 ही है, 0.4, तो पॉइंट का सेम जाएगा 4×12 30 एम्पीयर, ये हमारे पास में है बैटरी का कैलोरी, बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा का 30 एम्पीयर। सेकंड है ओम का नियम, देखिए अब ओम का नियम हमने पढ़ रखा है कि मान लो यदि कोई हमारे पास चालक है, कंडक्टर है, और उस कंडक्टर की भौतिक अवस्था में, चालक की भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब उसका तापमान है, लंबाई है, इसमें कोई चेंज नहीं कर देता, ये चालक हमारे पास, और इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर, फिजिकल कंडीशन नॉट चेंज या अनचेंज, फिजिकल स्टेट नॉट चेंज, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहे, तब ये लागू होगा ओम्स का, ध्यान रखना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसके सिरों में जो वोल्टेज लगाए हैं, बैटरी से वोल्टेज लगाए हैं, जो वोल्टेज लगाए हैं चालक के बीच में, सिरों के बीच में वोल्टेज भी, इसमें जो करंट फ्लो होगा आई वोल्टेज, इसके टर्मिनल वोल्टेज लगाए हैं, इस चालक के सिरों में वोल्टेज लगाए हैं, तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो इस वोल्टेज के कारण से जो करंट फ्लो होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन कंडक्टर्स। जब ये कंडीशन है कि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में
कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के शीरों के विचारों के विभाग चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, पांच के अंदर आगे आर आर, जहाँ आर क्या है, नीतांक है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आयाम की ओम्स क्या होता है कि वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हेन फिजिकल स्टेट इज अनचेंज, जब फिजिकल अवस्था में कोई परिवर्तन ना होता, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हमारे पास ओम्स का नियम कहलाता है। फिर यदि एन सेल किसी विद्युत वाहक में ई आंतरिक प्रतिरोध आर एन सेल दे रखे हमारे पास और उसका विद्युत वाहक में ई दे रखा है और प्रतिरोध आर दे रखा है इंटरनल से, तो उसमें ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध क्या कीजिए, मतलब टोटल ईएमएफ कितना होगा, कब समांतर क्रम पैरेलल क्रम पैरेलल, तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल हमेशा एक समान होता है। तो मान लो कि यहाँ पर एन सेल जुड़े हैं तो एन सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई ही होगा, ई प्लस ई नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या जिसको ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, ई होगा। अब यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध निकाले तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालता है, जितने भी सेम हो एक बटा आठ एस एक बटा आठ प्लस एक बटा प्लस एक एस एन 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 टाइम्स होता है एन टाइम्स, या उसको लिखेंगे एन अपान आर, तो आठ एस इक्वल हो जाएगा आर अपान एन, ये हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। क्या ये समांतर क्रम का सूत्र होता है, समांतर क्रम का सूत्र हमने पढ़ा था, एक बटा आर वन एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, जितने भी प्रतिरोध दिए हैं उसका उल्टा लिखो विक्रमानुपाती इनवर्स लिखो, तो वन अपन आर एस इक्वल टू वन अपन आर प्लस वन अपन कितने टाइम्स लिखना, एन टाइम्स एन बार, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कितने लेना था हमारे पास एन लेना, तो एन कर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई होगा, क्योंकि वोल्टेज सेम होगा। समांतर क्रम आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला होता है समांतर क्रम का, बटे लिखना अपान लिखना एन अपान आर, या इसका उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा आर एस इक्वल टू आर बार एन। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, इसी टाइप से दिया है, लेकिन इसमें श्रेणी क्रम रहेगा, सीरीज श्रेणी श्रेणी क्रम सीरीज, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग, तो इसका भी सॉल्यूशन होगा दूसरे का, श्रेणी क्रम में क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, सबको प्लस का किसको किसको ए प्लस ए जितने से प्लस कितने बार एन बार, टोटल वोल्टेज कितना जाएगा एन ई, तो श्रेणी क्रम में कुल विद्युत वाहक बल एन ई होगा, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ सेल, सेलों की संख्या एन ई। दूसरा इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध का कार्य पड़ा था आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर टू थ्री, ये श्रेणी क्रम के ध्यान क्या है आर डैश इक्वल टू आर प्लस आर कितनी बार लिखना एन बार एन डैस आर डैश इक्वल टू एन आर, ये हमारे पास श्रेणी क्रम का कुल आंतरिक प्रतिरोध भी बनाया एन आर। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पहला क्वेश्चन इसका क्या होगा, समांतर क्रम का विद्युत वाहक बल ई होगा क्योंकि समांतर क्रम वोल्टेज समान होता है, और समांतर श्रेणी क्रम का विद्युत वाहक बल कितना होगा एन ही होगा क्योंकि इसमें दूर था वोल्टेज अलग अलग होगा। फिर दूसरा है क्वेश्चन आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा समांतर क्रम का, तो समांतर क्रम का आंतरिक प्रतिरोध आर अपान एन होगा, श्रेणी क्रम का कितना होगा श्रेणी क्रम का एन आर होगा। तो इस प्रकार से दोनों सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में मीटर सेतु का इसमें परिपथ पूछा हुआ है, तो यहाँ पर अपने डायग्राम बना रखा मीटर से, तो इसमें क्या होता है एक मीटर लंबा तार होता है, इस तार के साथ एक स्केल लगी होती है, यहाँ बता रखी है स्केल इस तरह से है, तार होता है तार के साथ स्केल लगी होती है, इस तरह से स्केल लगी होती है, यहाँ पर दो स्क्रू लगे होते हैं, इस स्क्रू के साथ पीतल की पत्तियाँ लगी होती है इस तरह से, ये पीतल की पत्तियाँ इधर भी और इधर भी,
दोनों तरफ पिता की पत्तियां लगी होती है, एक पिता की पत्तियां बीच में लगी होती है, एक तीसरी पिता की पत्ती, तीन पिता की पत्तियां, एक दो और तीन। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स बड़ा होता है आर बी जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, या एक प्रतिरोध लगा देते हैं जिसका मान अपने को ज्ञात करना होता है एक्स, प्रतिरोध जोड़ दिया। यहाँ पर हम धारा मापी जोड़ते बैरोमीटर और ये वायर जिसको टच कर पाते हैं। दूसरा सिरा यहाँ पर एक सेल जोड़ देते और एक कुंजी जोड़ देते, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से ये कुंजी हो गया, ये सेल हो गया, और इसमें हम करंट फ्लो करते हैं। ये हमारे पास हो गया धारा मापी मीटर सेतु का जो होता है चित्र बन गया, परिपथ बन गया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है या क्या प्रतिरोध है, ये धारा मापी है, या एक ज्योति लगाते हैं इसको आगे पीछे करने के लिए, और एक सेल होता है और एक कुंजी होती है, तो इसमें धारा हमारे होने लगती है। इस तरह से विद्युत परिपथ इसका बनाने का पूछा था, इस तरह से रेखा चित्र इसको बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।